हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल करियर परिवार में। मैं मुकेश कुमार आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो चलिए शुरू करें आज की क्लास, बिहार शिक्षक बहाली सेवन फेज हिस्ट्री और एनसीईआरटी और एससीईआरटी जो आपका सीरीज चल रहा है, ये हम लोग अभी चैप्टर नंबर 8 चल रहा है हिस्ट्री का, ये क्लास 6 है, ठीक है। तो ये डेली आपकी 9 बजे से क्लास होती है रात में, ठीक है दोस्तों। और देखिए, आपका जो हिस्ट्री है, आपका ज्योग्राफी हो गया है, आपका 6 से 10 तक ज्योग्राफी करवा दिया गया है। इसके बाद पॉलिटी हम 9, 10 करवा देंगे और इकोनॉमिक्स भी आपका 9, 10 करवा दिया जाएगा, है ना। क्योंकि हिस्ट्री में 6, 7, 8 में कुछ है ही नहीं, है ना। आप पढ़ के देखे होंगे तो उसमें कुछ नहीं है, है ना। जो भी कुछ है तो 8, 9, 10 में ही है। और उसके अलावा भी मैं भी आपको जो एससीईआरटी है उससे भी संबंधित जो सवाल बनते हैं, एनसीईआरटी जो सवाल बनता है वो भी तैयार किया जा रहा है। एनसीईआरटी जब ये सीरीज खत्म हो जाएगा तो आप सभी का टेस्ट होगा दोस्तों, है ना। आप सभी का टेस्ट होगा और टेस्ट में आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स चारों सेक्शन का अलग अलग हम कोशिश करेंगे कि 80 सवाल आपका डेली हम टेस्ट लें, है ना। 80 सवाल का डेली टेस्ट होगा और उसमें आपकी पूरी तैयारी फिर आपकी होगी 9, 10 वाली। ये 9, 10 के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही, और इसके अदर वाले जो आपका 40 नंबर जो पूछा जाएगा उसके लिए भी आप पढ़ सकते हैं। उसमें भी हिस्ट्री पूछा जाएगा, उसमें भी ज्योग्राफी पूछा जाएगा, है ना। उसमें भी पॉलिटी रहेगा, उसमें भी इकोनॉमिक्स रहेगा। तो ये सबके लिए है, लेकिन खास करके जो 9, 10 वाले हैं उनके लिए तो खैर ये आपका बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका पीडीएफ नोट्स हमारे आपको ग्रुप में मिलेगा, है ना। ये नंबर है आपका, ये हमारे व्हाट्सएप नंबर है 7857 82 43 10, और ये आपका इस पर आपको पीडीएफ नोट्स आपका प्राप्त हो सकता है, है ना। और एग्ज़ाम में दोस्तों आपको यहीं से पूछा जाएगा, सिलेबस यही आपको दिया गया था, ठीक है। तो ये व्हाट्सएप नंबर आप यहां से नोट कर लीजिएगा, हमारे ग्रुप में जुड़ जाइएगा। अभी इसमें जुड़ने के लिए मात्र 499 चार्ज है, ठीक है। 499 इसमें चार्ज है, जुड़ने के लिए मात्र एक बार वन टाइम आपको पे करना पड़ेगा 499। कैसे पे करना है तो ऑनलाइन पे करना होगा, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, किसी भी माध्यम से कर सकते हैं। और जो भी हमारे मित्र पे करेंगे तो पेमेंट करने के बाद इस जो व्हाट्सएप नंबर है, है ना, दोनों एक ही नंबर है, आप मिला लीजिएगा। तो ये नंबर सेव कर लेना है और व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा। वहाँ आपको बिहार सेवन फेज का ग्रुप है, उसमें बहुत सारे लोग, लगभग अभी 300-400 लोग उसमें जुड़ गए हैं, तैयारी कर रहे हैं, है ना। तो उसमें आप जुड़ जाइएगा और वहाँ पर आपको सारे मटेरियल आपको प्रोवाइड होगा और कोई मंथली आपको चार्ज नहीं लगेगा, सिर्फ एक बार ही आपको इसमें पे करना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करें आज की क्लास पार्ट वन। और देखिए यहाँ पर अभी लगभग हम लोग 50 से 60 सवाल देखेंगे दोस्तों, ठीक है। 50 से 60 महत्वपूर्ण सवाल यहाँ पर अभी देखेंगे जो आपके एग्जाम के व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की सवाल। पहला नंबर, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी। एक बार वीडियो को सभी लोग लाइक कर देना है जितने लोग आ गए हैं, है ना। तो दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी, है ना। आपको पता होगा कि दिल्ली दरबार होता है दोस्तों, 1911 में जॉर्ज पंचम आता है दिल्ली आपका। और देखिए भारत की राजधानी बना था आपका दिल्ली कब, तो देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन है, दिल्ली जो ऐसे राजधानी बना था वो 12 में बना था, लेकिन घोषणा हो गया था आपका 1911 में ही, है ना। तो इसका जो आप इसमें चेंज कर सकते हैं थोड़ा सा, है ना, प्रश्न में थोड़ा सा हम चेंज ये कर सकते हैं कि दिल्ली भारत की राजधानी घोषणा हुआ था दोस्तों आपका 1911 में, लेकिन जो ये स्थानांतरित हुआ था ना ये 1912 में हुआ था, है ना। और इसका आपका आंसर ए ही दिया गया है। तो यहाँ पर घोषणा कब हुआ था ये यहाँ पर पूछता तो ज़्यादा अच्छा रहता, है ना। तो इसका आंसर ए होना चाहिए था। ऐसे कब बनी थी, तो अगर ये पूछे एग्जाम में कि कब बनी थी, तो आंसर हो जाएगा बी नंबर, 1912 ईस्वी में आपका दिल्ली जो बना था वो भारत की राजधानी बना था। पहले राजधानी कहाँ था, तो कलकत्ता था, और वहाँ से स्थानांतरित करके दिल्ली बनाया गया था आपका, ठीक है, है ना। और 1911 में ही देखिए एक चीज और हुआ था आपका, जो बंगाल विभाजन हुआ था ना आपका, बंगाल विभाजन कब हुआ, तो 1905 ईस्वी में, और बंगाल विभाजन को रद्द किया गया था आपको 1911 ईस्वी में भी, ये भी सवाल आपको पूछा जाता है, ठीक है जी। चलिए अगला प्रश्न है आपका कि बम्बई बंदरगाह कब बनाई गई थी, है ना। बम्बई बंदरगाह जो है दोस्तों ये भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है, ठीक है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है आपका ये, इसी को जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह भी कहते हैं। तो बम्बई बंदरगाह जो बना था वो आपका 1873 ईस्वी में बनाया गया था, ठीक है, 1873 ईस्वी, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। फटाफट आप लोग अपना अपना कमेंट करते चलना है और वीडियो को लाइक भी करते चलना है सभी लोगों को, है ना, एक बार लाइक करना है, बार बार नहीं करना है। अगला प्रश्न है कि शहरीकरण का अर्थ क्या होता है। शहरीकरण, है ना, इसी से समझ में आ रहा है शहरीकरण, है ना, कि शहर यानी कि नगर, तो ज़्यादा लोग शहरों में रहते हैं शहरीकरण में, ठीक बात है। ज़्यादा लोग कस्बों में रहते हैं, ये भी ठीक बात है। यानी कि आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए और सी, ए और बी, तो आपका दोनों हो जाएगा। शहरीकरण का मतलब यही होता है कि अधिक से अधिक लोग शहर में रहते हैं, शहर में व्यतीत करते हैं, है ना, शहर में सारे काम करते हैं,
ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है आपका 4 नंबर, लाल किला कहाँ पर स्थित है बताइए। लाल किला के बारे में तो आपको पता ही होगा सभी चीज, है ना। लाल किला दोस्तों आपका, इसको किसने बनाया था दोस्तों, तो शाहजहां ने बनाया था ना, शाहजहां के द्वारा ये आपका लाल किला बनाया गया था, ठीक है ना। लाल बलुआ पत्थर से आपका ये बनाया गया है लाल किला। ये है कहाँ दोस्तों, तो ये दिल्ली में है आपका, ठीक है ना। ये कहाँ है जी, तो दिल्ली में है आपका, ऑप्शन नंबर आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि लाल किला किस नदी के किनारे स्थित है बताइए। लाल किला, अब लाल किला भाई साहब है कहाँ, तो लाल किला है आपका दिल्ली में, है ना। लाल किला है कहाँ, तो लाल किला है दिल्ली में। और दिल्ली किस नदी के किनारे है, अगर आप सोचिएगा तो ये हो जाएगा यमुना नदी के किनारे, है ना। तो लाल किला भी होगा यमुना नदी के किनारे ही, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब दोस्तों, ठीक है जी। चलिए यमुना नदी कहाँ से निकलती है भाई साहब बताइएगा। यमुना नदी कहाँ से निकलती है, तो यमुनोत्री से, है ना। कहाँ से निकलती है यमुना, यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है, है ना। और यह है कहाँ, तो हिमालय में है आपका, ध्यान रखिएगा। 6 नंबर है कि दिल्ली के बारे में क्या सच है। देखिए दिल्ली के बारे में सच क्या है, तो दिल्ली कह रहा है कि 1912 से पहले 1000 साल पहले राजधानी रह चुकी थी, बिल्कुल सही है। यह यमुना नदी के किनारे है, ये भी बिल्कुल बात ठीक है। यमुना नदी के किनारे 14 राजधानियां अलग अलग समय में बसाई गई थी, बहुत अच्छी बात है, है ना। दिल्ली बहुत सारे राजाओं का, महाराजाओं का राजधानी रहा था दोस्तों। तो यहाँ आपका ए और बी और सी आपका तीनों सही हो जाएगा। ये सवाल है ना आपका एनसीईआरटी से लिया गया है, है ना, एनसीईआरटी से लिया गया है। आप एनसीईआरटी बुक अगर पढ़े होंगे तो वहाँ आपको मिल जाएगा, है ना। आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, इनमें से सभी हो जाएगा आपका, ठीक है। अंग्रेजों ने मराठों को कब हराया था बताइए दोस्तों। अंग्रेजों ने मराठों को हराया था, कब हराया था, 1802, 1803, 1804, 1805, क्या होगा ए बी सी डी, आंसर क्या होगा, फटाफट जवाब दीजिए। तो अंग्रेजों ने मराठों को हराया था 1803 ईस्वी में, है ना, 1803 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा बिल्कुल ही सही जवाब, ठीक है, 1803 ईस्वी। मैं चलता हूँ नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है कि ब्रिटिश काल में, ब्रिटिश काल में भारतवासियों के इलाके को क्या कहा जाता था। ब्रिटिश काल में, है ना, बात हो रही है ब्रिटिश काल वाले, तो उस समय भारतवासियों को क्या कहते थे, तो काले कहते थे। भारतवासियों को काले कहा जाता था और ब्रिटिश लोगों को गोरे कहा जाता था दोस्तों, है ना। काले हैं तो क्या हुआ, दिल वाले हैं, है कि नहीं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि ब्रिटिश काल में अंग्रेजों के इलाकों को क्या कहते थे, तो अंग्रेजों के इलाकों को गोरे कहा जाता था ना, क्योंकि उन लोग एकदम गोरा गोरा रहेगा, उजला उजला उसका केस, बाल उल सब लगेगा एकदम उजर भूअर भूअर, है ना। आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है आपका कि गुलफरोशन किसे कहते हैं भाई साहब। गुलफरोशान, है ना, गुलफरोशान का मतलब होता है, क्या होता है, फूलों का त्यौहार, रंगों का त्यौहार, पटाखों का त्यौहार, या कोई नहीं, या एक से अधिक, क्या होगा। गुलफरोशान का मतलब होता है फूलों का त्यौहार, जी हाँ, फूलों का त्यौहार, ठीक है, फूलों का त्यौहार, ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका ए हो जाएगा जी। 9 बज गई है, गुड इवनिंग जी, सभी लोग आ जाइए, है ना। 9 बजे से आपकी टेस्ट शुरू हो जाती है, ठीक है, 9 PM, है ना, 9 PM से शुरू हो जाती है। आज देखिए 3 बजे से आपकी हिंदी की क्लास हुई थी, है ना, 3 PM से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट हुआ था हिंदी वाला, तो हिंदी जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि हिंदी में आपको 30 नंबर लाना जरूरी है ना, 30% लाना नंबर जरूरी है, यानी कि 100 प्रश्न रहेगा आपको हिंदी और इंग्लिश मिला के, जिसमें 30 नंबर आपको लाना है, पास करिएगा तभी फिर आपका दूसरा पेपर चेक होगा, नहीं पास करिएगा तो हवा में चल जाइएगा, है ना। तो 18वीं शताब्दी में कॉलेज की स्थापना किस रूप में हुई थी, तो 18वीं शताब्दी में दोस्तों कॉलेज की स्थापना किस रूप में हुई थी, कॉलेज के रूप में, स्कूल के रूप में, मदरसे के रूप में, या फिर इनमें से कोई नहीं, या फिर एक से अधिक हुई थी, तो क्या होगा। तो 18वीं शताब्दी में जो कॉलेज की स्थापना हुई थी, ये मदरसे के रूप में हुई थी, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है कि कॉलेज में किस भाषा में काम होता था, जी हाँ, तो कॉलेज में उस समय दोस्तों किस भाषा में काम होता था, हिंदी, पंजाबी, उर्दू, फारसी, तो क्या होगा, तो उर्दू भाषा में काम होता था, है ना, उर्दू भाषा में काम होता था कॉलेज में, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 1830 ईस्वी से 1857 ईस्वी तक, है ना, अवधि को दिल्ली के लिए क्या शब्द इस्तेमाल होता था। 1830 से लेकर के 1857 तक दोस्तों, है ना, दिल्ली के लिए कौन से नाम का उपयोग किया जाता था, तो इस समय कहा जाता था दोस्तों पुनर्जागरण काल, है ना, इसी काल को क्या कहते थे, पुनर्जागरण काल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, 1830 से 1857 तक पुनर्जागरण
काल कहा जाता था। अंग्रेजों ने बहादुर शाह जफर द्वितीय को किस देश से निकालकर कहां भेज दिया था? दोस्तों बहुत बहुत बढ़िया प्रश्न है कि अंग्रेजों ने बहादुर शाह जफर द्वितीय को देश से निकालकर कहां भेज दिया था, है ना। 1857 की जब क्रांति होती है और इसको बाद बहादुर शाह जफर द्वितीय जो था ये अंतिम मुगल बादशाह था और इसको भारत से निर्वासित कर करके वर्मा भेज दिया था दोस्तों, है ना, वर्मा भेज दिया था, निर्वासित कर दिया गया था। वहीं पर बेचारे को मृत्यु हो जाती है, सारे इसके खानदान को मार दिया जाता है। आंसर हो जाएगा ए नंबर आपका बिल्कुल सही जवाब। जामा मस्जिद में कितने सालों तक नमाज नहीं पढ़ा गया था? जामा मस्जिद कहाँ है जी? तो ये है आपका दिल्ली में, है ना, जामा मस्जिद है दिल्ली में, ठीक है। जामा मस्जिद कहाँ है? दिल्ली में है। और इसमें कितने सालों तक नमाज नहीं पढ़ा गया था दोस्तों? तो 5 साल तक नमाज नहीं पढ़ा गया था। आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर, है ना, आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर बिल्कुल सही जवाब। अगला है कि दिल्ली कॉलेज को कब बंद कर दिया गया था? जी हाँ दोस्तों, दिल्ली कॉलेज को बंद कर दिया गया था और कब बंद किया गया था? कुछ दिनों के लिए। तो आंसर हो जाएगा आपका 1876, 77, 78, 79, क्या होगा? तो 1877 ईस्वी में इसको बंद कर दिया गया था, ठीक है, 1877 ईस्वी में। अगला है कि रानी विक्टोरिया को कब दिल्ली के मालिक घोषित किया गया था? दोस्तों देखिए, रानी विक्टोरिया जो थी ना, ये तो आपकी इंग्लैंड की महारानी ही थी, है ना, इंग्लैंड की महारानी थी। लेकिन ये जो विक्टोरिया थी, ये इसका मानना था कि हम दिल्ली मतलब इंडिया का भी महारानी हम बनेंगे, है ना, इंडिया का भी महारानी हमको बनना है। और ये जब घोषणा हुआ था 1877 ईस्वी में, है ना, 1877 ईस्वी में ये घोषणा हुआ था आपका, ये आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पर मैं इसके बारे में थोड़ा सा लिख दिया हूँ कि आज से 142 साल पहले 1 जनवरी 1877 को ऐलान किया गया कि भारत क्वीन विक्टोरिया को शासन तले आ गया है और क्वीन विक्टोरिया ही अब भारत की महारानी या राष्ट्रध्वज है आपका, ठीक है, है ना। तो ये 1877 में हुआ था आपका। 1877 ईस्वी में वायसराय कौन थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, 1877 में वायसराय कौन थे, है ना, 1877 में वायसराय कौन थे जी? लिट्टन थे, रिपन थे, माउंट बेटन थे या डलहौजी थे? तो 1877 की ये बात है और इस समय था आपका लॉर्ड लिट्टन, है ना, लॉर्ड लिट्टन था। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, लॉर्ड लिट्टन। अगला प्रश्न है दोस्तों कि 1911 ईस्वी में इंग्लैंड का राजा किसे बनाया गया था? आपको बताया था ना शुरू, पहला सवाल यही था कि 1911 में दोस्तों, है ना, दिल्ली दरबार होता है और दिल्ली दरबार में कौन आया था? तो जॉर्ज पंचम जो इंग्लैंड का राजा था उस समय, है ना, जॉर्ज पंचम, आंसर हो जाएगा आपका जॉर्ज पंचम, ऑप्शन नंबर ए। और इन्होंने ही दोस्तों भारत की जो राजधानी थी वो कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने के लिए कहा था और 1912 ईस्वी में स्थानांतरित हो जाता है। और 1911 में ही दोस्तों आपका जो बंगाल विभाजन था उसको रद्द भी कर दिया गया था आपका, ठीक है, आंसर हो जाएगा जॉर्ज पंचम। चलिए तो ये पार्ट वन में देखिए, हम लोग देखिए अभी 19 सवाल, है ना, पार्ट वन में 19 सवाल देखे। चलिए अब पार्ट टू में आप लोग अपना अपना जवाब दीजिए, लास्ट में आप लोग अपना अपना स्कोर भी बता देना है, कमेंट करना है नीचे में, लाइव में नहीं, कमेंट कर दीजिएगा कितना आपने सही किया है। नई दिल्ली किस पहाड़ी पर स्थित है, है ना, नई दिल्ली बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, किस पहाड़ी पर है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो नई दिल्ली जो दोस्तों ये पहाड़ी पर है, तो पहाड़ी कौन सा हो जाएगा, है ना, ये देखिए अरावली पर्वत, है ना, ये जो पर्वत है अरावली पर्वत है, अरावली पर्वत जो ये गुजरात से लेकर के दिल्ली तक आपको ये फैला हुआ है। तो दिल्ली का जो दोस्तों आपका पहाड़ी है वो कौन सा पहाड़ी हो जाएगा, है ना। दिल्ली का जो राष्ट्रपति भवन है ये भी कई बार पूछा गया कि राष्ट्रपति भवन किस पहाड़ी पर है, तो रायसीना हिल, है ना, रायसीना पहाड़ी, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, रायसीना पहाड़ी। नई दिल्ली किस पहाड़ी पर हो गया, तो रायसीना पहाड़ी पर हो गया आपका। और ये अरावली का ही भाग है, ये भी पूछ सकता है, तो ध्यान रखिएगा। अगला है कि दिल्ली के वास्तुकार कौन थे दोस्तों, यानी दिल्ली को बनाया किसने था, ना सजाया किसने था? तो दिल्ली के वास्तुकार कौन थे? एडवर्ड लुटियंस, हर्बर्ट बेकर, ए और बी दोनों। तो ये बिल्कुल सही बात है, दिल्ली के जो वास्तुकार थे वो एडवर्ड लुटियंस भी थे और हर्बर्ट बेकर, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब, दो का आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, है ना। तो ये आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका, फटाफट जवाब दीजिए, है ना, विभाजन के समय कौन कौन से नगर बनाए गए थे, है ना, विभाजन के समय कौन कौन से नगर बनाए गए थे? तो लाजपत नगर और तिलक नगर, क्या होगा, ए और बी दोनों? हाँ तो ये बिल्कुल सही है, ए और बी आपका दोनों यहाँ पर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, ए और बी दोनों बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका, अब 4 नंबर प्रश्न है कि नई दिल्ली के निर्माण में कितना समय लगा था? जी बताइए दोस्तों, नई दिल्ली के निर्माण में समय कितना लगा था? 10 साल, 20 साल, 15 साल, 5 साल,
तो निर्माण लग गया था दोस्तों 20 साल, है ना, नई दिल्ली के निर्माण करने में धीरे 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 20 साल लग गया था। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है आपका कि दिल्ली को राजधानी बनाना वायसराय हार्डिंग की क्या वजह थी, है ना। हार्डिंग की वजह आखिर क्या थी कि दिल्ली को राजधानी बनाया, है ना। कलकत्ता क्या शोभ नहीं रहा था, अच्छा नहीं लग रहा था क्या कलकत्ता? तो कारण यही था कि भारत के लोगों की कल्पना के अनुरूप होगा, सभी लोग भारत में ब्रिटिश शासन बनाए रखे शालन बनाए रखे में संकल्प का सराहना करें, है ना। यानी कि ये सभी जो कारण था दोस्तों, है ना, बहुत सारे कारण थे जिसके वजह से जो वायसराय उस समय हार्डिंग थे और इनके द्वारा ही दिल्ली की राजधानी बनाया गया था। आपका आंसर हो जाएगा, आपका आंसर नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है आपका, प्रश्न नंबर है आपका 6, कह रहा है कि 19वीं शताब्दी में नालियों का क्या किया गया था, ना 19वीं शताब्दी में नालियां जो क्या किया गया था। तो दिल्ली की हालत उस समय बहुत ज़्यादा ख़राब थी, है ना, तो दिल्ली की हालत बहुत ख़राब थी तो नाली खोला नहीं गया था, विकसित नहीं किया गया था, ये बंद कर दिया गया था दोस्तों। आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर, नालियां उस समय बंद कर दी गई थी। अगला प्रश्न है आपका कि 17वीं-18वीं शताब्दी में मुगल वर्ग कहाँ पर रहता था। तो 17वीं-18वीं शताब्दी में दोस्तों मुगल वर्ग कहाँ रहता था, हवेली में, महल में, या फिर काठियों में, या फिर पक्के घरों में। तो पक्का घर उस समय नहीं था, है ना, हवेली हो जाएगा, है ना, हवेलियों में रहता था आपका मुगल वर्ग, ठीक है। चलिए आंसर हो जाएगा ए नंबर। अगला है 19वीं शताब्दी में कितनी हवेलियां थी दोस्तों, है ना। ये सारे जो दिए गए हैं दोस्तों आपके एनसीईआरटी बुक में मिल जाएगा, है ना, एनसीईआरटी बुक से ही हम उठाए हैं। तो 19वीं शताब्दी में कितनी हवेलियां थी, तो 100 हवेलियां थी दोस्तों, है ना, उस समय लगभग 100 हवेलियां थी आपको 19वीं शताब्दी में दिल्ली में। अगला है कि एक हवेली में कितने सदस्य रहते थे, बताइए दोस्तों। अब एक हवेली में कितने सदस्य रहते थे, 1, 2, 3 या फिर बहुत सारे, या फिर आपका इनमें से कोई नहीं, तो क्या होगा। एक हवेली में दोस्तों एक लोग थोड़ी रहेगा, दो लोग थोड़ी रहेगा, तीन लोग थोड़ी रहेगा, बहुत सारा लोग रहता था, है ना, नौकर चाकर, राजा रानी महाराणा, ओकर परिवार उरिवार सब रहता था दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, बहुत सारे। अगला है कि सार्वजनिक कमरों का इस्तेमाल कौन करता था जी। अब नामे है सार्वजनिक, तो सार्वजनिक में कौन करेगा, स्त्री पुरुष लड़के लड़कियां, तो सार्वजनिक में तो पुरुष ही आएगा ना, है ना। सार्वजनिक रूम का इस्तेमाल कौन करेगा, तो पुरुष लोग ही करेंगे आपका, है ना, स्त्री लोग के लिए अलग रूम होता था आपका, है ना। आंसर हो जाएगा आपका पुरुष, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है आपका कि हवेलियों में किन लोगों के रहने का इंतजाम था, बताइए हवेलियों में किन लोगों के रहने का इंतजाम था। गाड़ी बानू, तंबाकू लगाने वाले, या फिर मसालची खातेदारों, या फिर वर्करों, घरेलू नौकर। तो हवेली में ये सब लोग रहते थे, है ना, जितने परिवार थे, है ना, ये जितने नौकर चाकर सब रहते थे दोस्तों हवेली में। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, इसके अलावा भी और भी बहुत सारे लोग रहते थे आपका, ठीक है। अब जैसे सेना है, तो सेना कहाँ जाएगा भी, सेनापति कहाँ जाएगा जी, है ना, तो सारे लोग रहते थे आपका। हवेलियाँ क्यों बेकार हो गई थी, बताइए। धीरे धीरे करके हवेली बेकार नहीं होगा, हवेलियाँ बेकार इसलिए हो गई क्योंकि बहुत सारे मुगल इन इमारतों को संभालने की हालत में ही नहीं थे, है ना, वो धीरे धीरे करके मतलब कि बेकार होते चले गए, है ना, तो वो संभालने की हालत में नहीं थे। जो हिस्से सड़क पर खुलते थे उसको गोदाम बना दिया गया धीरे धीरे करके, है ना, और नए उभरते जो व्यवसायियों के नियंत्रण में चली गई कुछ हवेली आपका। तो आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर डी, और इसी वजह से जो हवेलियाँ थी वो धीरे धीरे बेकार हो गई, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका, बिल्कुल सही। बंगले जो थे वो कैसे बनाए गए थे, तो एकल परिवार के लिए, या फिर छत ढलवा होती थी, या फिर एक बरामदा होता था, या खाने व सोने के कमरे अलग अलग होते थे। तो ये जो दोस्तों आपके बंगले जो बनाए गए थे, तो बंगला बनाया गया था एकल परिवार के लिए, और छत ढलवा होता था, पर एक बरामदा होता था, सोने कमरे के अलग अलग रूम होते थे, यानी कि उपयुक्त सभी हो जाएगा। ये सारे चीज़ आपको होते थे आपका उस समय मुगल वाले में, है ना। एक नगर पालिका की योजना क्या थी दोस्तों, बताइए। नगर पालिका उस समय भी, मतलब कि नगर पालिका हम कह सकते हैं उस समय भी इस प्रकार की व्यवस्था थी आपके साफ सफाई के लिए। तो नगर पालिका की योजना क्या थी आपका, 1931 ईस्वी की जनगणना से पता चलता है कि पुराने शहर में भीड़ थी, है ना, भीड़ था उस समय भी आपका, है ना, पुराने शहर में भीड़ बहुत थी, ठीक है। प्रति एकड़ 90 लोग रहते थे, नई दिल्ली में प्रति एकड़ 3 लोग रहते थे, और यानी कि उपयुक्त सभी आपका बिल्कुल सही है। ये डाटा जो दिया गया आपका एनसीईआरटी बुक में आपको दिया गया है, आप वहाँ पर पढ़े होंगे बुक, तो वहाँ पर आपको मिला होगा। डी नंबर आपका आंसर हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों कि पुराने शहर के बिगड़ते हालात को देखकर क्या किया गया था। तो पुराने शहर जो धीरे धीरे हालत उसका ख़राब हो जा रहा था, तो सुधार योजना बनाई गई थी, या नक्शा बनाया गया था, या दोनों बनाया गया था।
तो पुराने शहर के बिगड़ते हालात को देख करके सुधार योजना बनाई गई थी आपकी, ठीक है। क्या बनाई गई थी? सुधार योजना, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, बिल्कुल सही। सुधार योजना पूछ रहा है दोस्तों किसने बनाया था, रॉबर्ट क्लार्क, क्लार्क हल या डलहौजी या कर्नवालिस, बताइए किसने बनाया था सुधार योजना। क्या होगा आंसर? ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। तो सुधार योजना बनाया गया था रॉबर्ट क्लार्क के द्वारा दोस्तों, ठीक है, रॉबर्ट क्लार्क के द्वारा बनाया गया था सुधार योजना। तो आंसर हो जाएगा आपका, आंसर नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न चलते हैं कि सुधार योजना का पूरा नाम क्या था, बताइए सुधार योजना का पूरा नाम क्या था? शहर सुधार योजना, लाहौर गेट सुधार योजना, निगम सुधार योजना, या फिर इनमें से कोई नहीं। कल 3 बजे जो क्लास होगी आपकी सामान्य अध्ययन की होगी, है ना, कल 3 बजे जो क्लास होगी दोस्तों वो सामान्य अध्ययन की क्लास होगी, और कल साइंस प्लस जनरल नॉलेज यानी कि समान अध्ययन वाले चलेगी आपका, है ना। साइंस हम लोग देखेंगे कल 30-40 प्रश्न, उसके अलावा कुछ समान अध्ययन के जैसे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है, ज्योग्राफी है जो आपको एग्जाम में 1-5 के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको पूछा जाएगा। तो सुधार योजना का पूरा नाम क्या था? तो इसका पूरा नाम था लाहौर गेट सुधार योजना, है ना। क्या नाम था? लाहौर गेट सुधार योजना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका। अगला है कि लाहौर गेट योजना कब बनाई गई थी, बताइए लाहौर गेट योजना सुधार योजना जो था ये कब बना था? 87, 88, 89, 90 में। तो भाई साहब इसका आंसर क्या होगा, आपको जवाब देना है, आंसर जल्दी से जवाब दीजिए, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1888 ईस्वी में बनाया गया था लाहौर गेट योजना, ठीक है। चलिए तो ये रहा आपका पार्ट टू, यानी कि 19, 20, 38 प्रश्न हम लोग अभी देख लिए हैं, और 19, 20 सवाल यहाँ पर अभी और हम लोग देखने वाले हैं। तो आप लोग भागिएगा नहीं, है ना, अभी 10 मिनट और बने रहिए, 10 मिनट में ये आपका क्लास समाप्त हो जाएगा, ठीक है। बस आधा घंटा में आपका एक चैप्टर लगभग कंप्लीट हो जाएगा। कल आपकी होगी 7 और 8, है ना, कल 2 चैप्टर हम करवा देंगे, 7 और 8 जिसमें आपको ज़्यादा सवाल नहीं है, तो 7-8 कल ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद 9 और 10 आपका ख़त्म हो जाएगा, है ना। तो ये आपका चैप्टर 8 भी समाप्त हो जाएगा कल या परसों में। चलिए तो पार्ट 3 है कि लाहौर गेट योजना का क्या नाम दिया गया था, लाहौर गेट योजना को नाम दिया गया था नया नाम, और इसका नाम क्या था दोस्तों? तो इसका नाम था विस्तार योजना। क्या नाम था? विस्तार योजना, ठीक है, विस्तार योजना आंसर हो जाएगा आपका, आंसर नंबर ए हो जाएगा, ठीक है जी। चलिए अगला प्रश्न है आपका, प्रश्न नंबर है दूसरा नंबर सवाल है कि विस्तार योजना का विषय क्या था, है ना, विस्तार योजना का विषय क्या था? यहाँ के निवासियों को चौराहे बाजार में भेजा गया, सभी सड़क का स्वरूप एक जैसा हो, मोहल्लों के निर्माण के लिए जमीन के टुकड़े को बांट दिया गया, यानी कि दोस्तों आंसर हो जाएगा डी नंबर, विस्तार योजना का ये सारे विषय थे आपके, है ना। तो ये ध्यान रखना है, ये सभी चीज़ आपको एनसीईआरटी में दिया गया है। अगला प्रश्न है आपका 3 नंबर कि नए मोहल्लों को क्या नाम दिया गया था, जो नया मोहल्ला था इसका नाम क्या दिया गया था, क्लार्कगंज या लाहौर गेट या कॉलोनी या औरंगाबाद। तो नए मोहल्ले को दोस्तों नाम दिया गया था क्लार्कगंज, जी हाँ क्लार्कगंज इसका नाम दिया गया था, ऑप्शन हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका, याद रखिएगा, है ना। अगला प्रश्न है आपका कि 1912 में दिल्ली की व्यवस्था कैसी थी, बताइए दोस्तों 1912 में जब दिल्ली बना था, है ना, दिल्ली जब बना था आपका कलकत्ता से ले जाया गया दिल्ली, तो दिल्ली की जलपूर्ति की समस्या बहुत ज़्यादा भयंकर था, निकासी की समस्या था बहुत ज़्यादा, है ना, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, बहुत ज़्यादा उस समय दिल्ली की हालत ख़राब थी, है ना, अब तो खैर काफ़ी ठीक हो गया है, है ना, आंसर नंबर सी हो जाएगा। अभी वहाँ पर क्या समस्या है सबसे बड़ी, तो वो जाम की समस्या है, है ना, जाम की समस्या यानी कि ट्रैफिक की समस्या है, उसके अलावा जल की समस्या, ज से जाम और ज से जल, ये दोनों समस्या है दोस्तों आपका वहाँ पर, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका कि दफ्तरों के लिए क्या बनाया गया था, है ना, तो दफ्तर के लिए क्या बनाया गया था, तो यूनियन बिल्डिंग, सचिवालय भवन या फिर दोनों, तो दफ्तर के लिए दोनों बनाए गए थे, है ना, यूनियन बिल्डिंग के साथ साथ सचिवालय भवन भी बनाए गए थे, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए यूनियन बिल्डिंग कहाँ पर स्थित था दोस्तों, बताइए यूनियन जो बिल्डिंग था ये कहाँ था, दिल्ली था, नई दिल्ली, अमेरिका या दक्षिण अफ्रीका, कहाँ था? तो यूनियन बिल्डिंग अभी ना बताए कि यूनियन जो बिल्डिंग था ये आपका नई दिल्ली में था, कहाँ था जी? नई दिल्ली में था आपका यूनियन बिल्डिंग, राइट आंसर हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब आपका, ठीक है, नई दिल्ली यूनियन बिल्डिंग। अगला प्रश्न है आपका 7 नंबर की सचिवालय भवन कहाँ पर स्थित था,
देखिए जब सचिवालय नई आपका यूनियन बिल्डिंग नई दिल्ली में था तो सचिवालय भवन भी भाई साहब कहाँ चले, कलकत्ता में थोड़ी आ जाएगा, तो ये भी कहाँ रहेगा, तो ये भी सचिवालय भवन में ही रहेगा, रहेगा कि नहीं रहेगा, तो ये भी हो जाएगा सचिवालय भवन हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, कोई दिक्कत किन्हीं को नहीं। चलिए अगला प्रश्न है आपका 8 नंबर की, ब्रिटिश से दिल्ली ब्रिटिश भारत की राजधानी कब बनी थी, भाई बताइए दिल्ली जो था ब्रिटिश भारत की राजधानी कब बना था ये बताना है। तो घोषणा हुआ था है ना, बना था आपका 1912 ईस्वी में, घोषणा हुआ था आपका 1911 में, आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर है ना, राजधानी कब घोषित हुई थी तो ये आपका 1911 हो जाएगा आपका आंसर नंबर डी नंबर, ठीक है। चलिए जॉर्ज पंचम के समय में आपका हुआ था। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा शहर प्रेसिडेंसी शहर था, कौन सा शहर जो था वो प्रेसिडेंसी शहर था, कलकत्ता बंबई मद्रास या फिर उम्मीद सभी, तो प्रेसिडेंसी शहर जो था ना ये कलकत्ता भी था बंबई भी था मद्रास भी था आपका है ना, तो यानी कि ए भी हो जाएगा बी भी हो जाएगा और आपका सी भी हो जाएगा, ठीक है। अभी भारत में 4 महानगर दिल्ली कलकत्ता बंबई मद्रास है ना, दिल्ली कलकत्ता बंबई और मद्रास ये 4 महानगर है, ध्यान रखना है। अगला है कि शाहजहानाबाद की स्थापना का कार्य कब शुरू हुआ था, दोस्तों बताइए शाहजहानाबाद की स्थापना का कार्य कब शुरू हुआ था, 1639, 1672 क्या होगा, तो शाहजहानाबाद की स्थापना का जो कार्य शुरू हुआ था ये 1639 में, राइट आंसर हो जाएगा भाई साहब आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका, ठीक है। देखिए वीडियो अच्छा लग रहा है ना तो एक लाइक भी करते चलिएगा है ना, बहुत मेहनत लगता है आपको छाटने में सारे क्वेश्चन को, फिर उसको टाइप करना है बनाना है ऑप्शन को सोचना पड़ता है। दिल्ली पर अंग्रेजों का नियंत्रण कब हुआ था, बताइए दिल्ली पर अंग्रेजों का नियंत्रण कब हुआ, 1801, 1802, 1803, 1804 तो देखिए दिल्ली पर अंग्रेजों का नियंत्रण हुआ था 1803 ईस्वी, ये भी मैंने अभी आपको ऊपर में थोड़ा पहले बता चुका था 1803 ईस्वी में हुआ था है ना। बंगाल विभाजन कब हुआ था, तो 1905 ईस्वी में हुआ था बंगाल विभाजन। स्वराज की मांग कब हुई थी दोस्तों है ना, स्वराज की मांग कब हुई थी, तो 1906 ईस्वी में स्वराज की मांग हुई थी है ना, स्वराज सिर्फ पूछे तो 1906 में आपका और आपका और कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था, तो 1907 ईस्वी में है ना, 1907 ईस्वी में सूरत अधिवेशन में, ठीक है। और मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था कब हुई थी, तो 1909 ईस्वी पार्लियामेंटो सुधार में हुई थी है ना, ये भी आपको याद रखना है। प्रथम कांग्रेस अधिवेशन कब, प्रथम कांग्रेस जो महिला जो अध्यक्ष बनी थी वो कब बनी थी आपका, 1917 में बनी थी एनी बेसेंट, ठीक है ना। और आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड कब होता है, तो 13 अप्रैल 1919 में होता है, याद रखिएगा 13 अप्रैल 1919 में होता है जलियांवाला बाग हत्याकांड, ठीक है ना। और कुछ कुछ बता दीजिए आप लोग। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, बीच बीच में आप लोग को पूछते रहेंगे, आप लोग का रिवीजन होते रहेगा। प्रश्न है कि महारानी विक्टोरिया भारत की मालकिनी कब घोषित किया गया था ना, तो देखिए जैसे तो आपका 1857 में आपको जो क्रांति हुआ था दोस्तों, उसके बाद जो आपका जो अधिकार था वो विक्टोरिया के हाथों में चलाया गया था, लेकिन ये जो कही थी कि दिल्ली में दिल्ली की राजकुमारी मतलब कि इंडिया का भी राजकुमारी हम ही बनेंगे, तो 1877 ईस्वी में हुआ था आपका ये, ठीक है। 1877 में मालिक कब घोषित किया गया था, 1877 में, ध्यान रखिएगा आपका। असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब होती है बताइएगा, असहयोग आंदोलन आपका 1920 से लेकर के 22 तक चला था असहयोग आंदोलन, याद रखना है। चौरी चौरा घटना हो जाती है आपको 5 फरवरी 1922 को, और उसी समय क्या होता है यह स्थगित हो जाता है ना। और स्वराज पार्टी की स्थापना कब होती है बताइएगा, स्वराज पार्टी की स्थापना होती है आपका 1923 ईस्वी में, और 1923 ईस्वी में किसके द्वारा, मोतीलाल नेहरू और आपका सी आर दास के द्वारा होता है स्वराज पार्टी की स्थापना। और 1923 के बाद 1924 में क्या होती है दोस्तों, तो 1924 में होती है बेलगाम अधिवेशन, गांधी जी एकमात्र अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे, वो था बेलगाम अधिवेशन कर्नाटक में हुआ था, ठीक है, बेलगाम अधिवेशन है ना। उसके बाद क्या होता है आपका 1925 में क्या होता है दोस्तों, तो 1925 में होता है आपका काकोरी षड्यंत्र है ना, काकोरी षड्यंत्र की घटना होती है कब, 1925 ईस्वी में, याद रखिएगा आपका, ठीक है जी, ट्रेन डकैती है ना। और उसके बाद साइमन कमीशन गठन कब होता है, तो 1927 में आता, कब है तो 1928 में आता है ना, 1928 में आता है आपका साइमन कमीशन, ये भी आप याद रखिएगा। गांधी इरविन समझौता कब होता है, तो गांधी इरविन समझौता आपको 1931 को होता है, 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता होता है ना। और दोस्तों 1932 में क्या होता है, तो पूना पैक्ट होता है आपका 1932 में, ये भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि मछलीपत्तनम क्या है, तो मछलीपत्तनम क्या है, गाँव है, बंदरगाह है, जहाज है, शहर है, क्या है। मछलीपत्तनम जो है दोस्तों एक बंदरगाह है आपका है ना, ये एक बंदरगाह है, आपको कमेंट करके बताना है कि जो मछलीपत्तनम बंदरगाह है दोस्तों ये कहाँ है। भारत में अभी टोटल 13 बड़े बंदरगाह हैं और 200 से ज़्यादा दोस्तों छोटे बंदरगाह हैं, आप याद रखिएगा। 13वां जो बड़ा बंदरगाह है ये कहाँ है, तो अंडमान निकोबार का द्वीप समूह पोर्ट ब्लेयर जो है ये 13वां बंदरगाह, सबसे बड़ा बंदरगाह है।
है ना। तेरहवा बंदरगाह मतलब बड़ा में गिनती आता है, सबसे बड़ा नहीं है, सबसे बड़ा तो आपका मुंबई बंदरगाह है आपका, है ना, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका 14 नंबर की 20वीं शताब्दी की शुरुआत में कितने प्रतिशत लोग शहरों में रहते थे, है ना, तो शहर में उस समय कितना रहेंगे, है ना, तो 20वीं शताब्दी में शुरुआत के समय मात्र 11% लोग दोस्तों शहर में रहते थे, है ना, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि नादिर शाह ने दिल्ली को कब लूटा था भाई, तो ये सब का काम था खाली लूटना और तो कोई काम धाम था नहीं, है ना, तो दिल्ली को लूटा कब था ये तो लूटा था आपका 1739 ईस्वी में लूटा था, है ना, 1739 ईस्वी में ये दिल्ली को लूटा था आपका। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब होती है, तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 ईस्वी में होती है, याद रखिएगा। अगस्त प्रस्ताव 1940 ईस्वी, है ना, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी, याद रखिएगा, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन के समय दोस्तों इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे, कमेंट करके बताइए जल्दी से, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे भारत छोड़ो आंदोलन के समय। दिल्ली कॉलेज की स्थापना कब हुई, जल्दी से बताइए, दिल्ली कॉलेज की स्थापना कब हुई थी, दिल्ली कॉलेज की स्थापना कब हुई, 1820, 1824, 1830 या फिर 1850। तो दिल्ली कॉलेज की स्थापना होती है दोस्तों आपकी 1824 ईस्वी में, है ना, कब होती है, 1824 में होती है दिल्ली कॉलेज की स्थापना। अगला है कि जॉर्ज पंचम को इंग्लैंड का राजा कब बनाया गया था, तो जॉर्ज पंचम जो राजा बना था वो 1911 में ही बना था, 1911 में ही दिल्ली दरबार होती है, दिल्ली आता है और ये दो काम महत्वपूर्ण करता है, एक तो आपका बंगाल विभाजन को रद्द करता है और राजधानी को स्थानांतरित करता है। अगला प्रश्न है आपका 18 नंबर की विभाजन के समय भारत में क्या शुरू हो गया था, है ना, विभाजन के समय यानी कि दिल्ली जो विभाजित हो रहा था उस समय भारत में क्या शुरू हो गया, भीषण दंगे, लड़ाई, झगड़े, युद्ध, तो क्या हुआ, भीषण दंगे हुए थे आपके, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा दोस्तों, बिल्कुल सही जवाब, भीषण दंगे हो गए थे। दिल्ली सुधार ट्रस्ट का गठन कब हुआ था बताइएगा, दिल्ली सुधार ट्रस्ट का गठन कब हुआ था, आंसर क्या होगा जी, जल्दी से बताइए कमेंट करके, दिल्ली सुधार ट्रस्ट का गठन कब हुआ था, 1920, 1926, 1930 या फिर 1940, तो दिल्ली सुधार ट्रस्ट का जो गठन हुआ था 1936 में हुआ था, ठीक है, 1936 में हुआ था आपका, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, अच्छा तो ये आपका लास्ट सवाल था 19 नंबर, तो 19 दिया 57 सवाल हम लोग यहाँ पर देखे चैप्टर नंबर 6 से, जो आपके एनसीईआरटी और एससीईआरटी बुक से यहाँ पर लिया गया था। कैसा लगा आप लोग बताना है, अच्छा लगा हो तो एक लाइक करना है, नहीं लगा हो तो नहीं करना है, कोई बात नहीं है, है ना, बस इसी प्रकार से मेहनत करते रहिए, हमारा काम है आप सभी को पढ़ाना और आप सभी को रिजल्ट दिलवाना, है ना, बस एक बार रिजल्ट आप लोग को आ जाए फिर एक बार हमसे मिल लीजिएगा, है ना। चलिए भाई साहब सब लोग का रिजल्ट हो जाएगा, भगवान से यही प्रार्थना है, जितने लोग देख रहे हैं सब लोग का रिजल्ट हो जाए, बस वो लाइक ना करे कोई बात नहीं है, लेकिन रिजल्ट उनका हो जाना चाहिए। ये हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, आप इसमें जुड़ जाइएगा, है ना, ये फ़ोन पे गूगल पे नंबर है दोस्तों, जहां आपको सारे मटेरियल प्रोवाइड हो जाएगा, ये आपका 499, इसमें मात्र एक बार चार्ज लगेगा, है ना, जो लोग भी पे करेंगे तो व्हाट्सएप पे भेज देना है, जहां आपको ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा और आपको मटेरियल मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आपको एक बार पे करना है, कोई मंथली आपको बार बार नहीं लगेगा, उसके बाद एग्जाम तक आपकी क्लास चलते रहेगी। अभी देखिए एनसीईआरटी जब समाप्त हो जाएगा तो हम आपका सभी जो सेक्शन है आपका हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स है ना, चारों सेक्शन से हम आपका 20-20 सवाल हम करवाएंगे, है ना, 20-20 सवाल हम कोशिश करेंगे कि 80 सवाल हम करवा दें, ताकि आप सभी का जितना ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी हो सके। और ये जो क्वेश्चन रहेगा 20-20 सवाल, ये एनसीईआरटी और एससीईआरटी दोनों से रहेगा आपका, है ना, दोनों से हम छाट रहे हैं, बना रहे हैं, बहुत मेहनत लग रहा है, बस आप सभी के लिए हो रहा है। और मिलेगा ये उन्हीं लोगों को जो ग्रुप में रहेंगे, है ना, इसमें बहुत सारे लोग जुड़ गए हैं, तो जुड़ जाइएगा अभी से ही, है ना, और बाद में जुड़ने से क्या फ़ायदा, अभी से जुड़ जाइए, तैयारी करते रहिए, है कि नहीं। और दिन में 3 बजे से आज हिंदी हुई थी, तो हिंदी वाला क्लास अगर नहीं किया तो हिंदी वाला टेस्ट आप देख लीजिएगा, वहाँ पर महत्वपूर्ण दोस्तों आपका 60+ सवाल आज करवाया गया था, टेस्ट लिया गया था, जो आपके एग्जाम के व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट था, है ना, हर एक आपका सेक्शन से वहाँ पर क्वेश्चन हम तैयार करके लाए थे, ठीक है। चलिए तो आज इतना ही रहने देते हैं, और अच्छे से आप लोग तैयारी करते रहिए, अपना ध्यान रखिए, इधर उधर ज़्यादा समय व्यतीत नहीं करना है, दूसरे के बातों में नहीं आना है, खुद से आपको मतलब कि कंपटीशन करना, दूसरे से कंपटीशन नहीं करना है कि वो ये आ रहा है, उसका इतना टेस्ट आ रहा है, वो इतना नंबर ला रहा है, वो ये पढ़ रहा है, मत ये कंपटीशन मत कीजिए, खुद से कंपटीशन कीजिए, खुद में सुधार करने का आप लोग प्रयास कीजिए, है ना, जितना से ज़्यादा हो सके रिवीजन कीजिए, है ना, अभी जो समय है वो रिवीजन करने का है,
और रिवीजन है और पढ़ने का है ना, रिवीजन तो करना ही है लेकिन उसके साथ साथ जो चीज़ आप याद कर रहे हैं, जैसे कि ये टेस्ट हो गया आपका, मान लीजिए आज चैप्टर नंबर 6 हो गया तो इसको आज तो पढ़ लिए है ना, लेकिन इसको छोड़ना नहीं है ना, एक दो दिन चार दिन पाँच दिन के बाद क्या करना है, इसको रिवीजन एक बार मार लेना है, रिवीजन इसको कर लेना, चाहे आप वीडियो से देख लीजिए या पीडीएफ से पढ़ लीजिए, जैसे अच्छा लगता है, उसको रिवीजन करना बहुत जरूरी है ना। जैसे भी आपको पढ़ना है पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, रिवीजन करना है पीडीएफ से पढ़ लीजिए या फिर आप वीडियो देख लीजिए, है कि नहीं, तो वीडियो आपका पड़ा हुआ है वहां से देख लीजिए, फटाफट इसको फास्ट करके देख लीजिए, रिवीजन हो जाएगा। रिवीजन करना बहुत जरूरी है, तभी याद होगा। बहुत सारे लोग कहते हैं सर याद नहीं होता, याद नहीं होता है, तो एक ही समस्या है कि अब रिवीजन नहीं कर रहे ना, अब पढ़ तो लिए, बहुत सारा चीज पढ़ लिए लेकिन उसका रिवीजन नहीं कर रहे, तो रिवीजन करते रहिए तभी वो चीज़ आपके दिमाग में स्थिर रह सकता है, अन्यथा आपके दिमाग से वो निकल जाएगा धीरे धीरे, है ना, दो चार दिन दस दिन रहेगा फिर वो निकल जाएगा, इसीलिए आपको रिवीजन करना बहुत जरूरी है, है ना। तो आप लोग अच्छे से तैयारी करते रहिए, कोई दिक्कत हो तो बताइएगा, है ना, हम हैं ही, और आप लोग भी अपना मेहनत करते रहे, है ना, जो भी समस्या हो उसको हल करने का प्रयास कीजिए, ठीक है, उसके अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए, उसको समस्या को निदान कर दीजिए, है ना, जो भी दिक्कत लगे उसको, हमारा गूगल बाबा है ना, अगर कोई क्वेश्चन लग रहा है गलत है ये है वो है तो गूगल में सर्च कर लीजिए, है ना, गलती हमसे भी हो सकता है आपसे भी हो सकता है कि नहीं, हो जाता है कभी कभी, निकल जाता है मुँह से, या फिर टाइपिंग में गलती हो गया या फिर पढ़ाते समय कुछ आपका फ्लो में गलत हो जाता है, तो उसको आप देख लिया कीजिए, उसके लिए ऐसा नहीं कि हर एक टीचर से गलती हो जाता है तो वो टीचर खराब नहीं होता है ना, नहीं आप गड़बड़े, वो आप सर्च कर लीजिए गूगल में या फिर बुक में, है ना, या फिर कमेंट कर दीजिए, अगर समय रहेगा तो हम भी उसको देख लिया करेंगे, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो आज इतना रहने देते हैं और फिर अगले क्लास में मिलेंगे, है ना, कल 3 बजे क्लास होगी आपकी टेस्ट नेक्स्ट टेस्ट में, और कल जो टेस्ट होगी वो साइंस और आपका जीएस की टेस्ट होगी, है ना, तो वहाँ पे आपको जरूर से जरूर आना है। थैंक यू, गुड नाइट, गुड बाय, टेक केयर, धन्यवाद।